नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। बॉलीवुड वर्ल्ड में मैं लेकर आ चुकी हूं आपके लिए बॉलीवुड का मसाला। तो करते हैं बात बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। ऋचा की बेटी से मिलने आई सोनाक्षी और जाहिर। बॉलीवुड कपल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अभिनेता अली फजल बीते महीने पेरेंट्स बने थे। इस कपल के घर 16 जुलाई को बेटी का जन्म हुआ था। माता पिता बनने के दो दिन बाद ही इस कपल ने फैंस के साथ गुड न्यूज साझा की थी और अब इस कपल की नन्ही परी से सब मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं बीते दिनों शबाना आजमी से लेकर दिया मिर्जा और उर्मिला मातोंडकर ऋचा और फजल की बेटी से मिलने पहुंचे थी। वहीं अब हीरा मंडी की एक और एक्ट्रेस उनसे मिलने पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की, जो अपने पति जाहिर इकबाल के साथ ऋचा और अली फजल की प्यारी सी लाडली को देखने पहुंचे और जिसकी एक झलक और कुछ फोटेज इंस्टाग्राम में शेयर भी की और उसमें कैप्शन लिखा, रविवार का दिन बढ़िया गया। वही माँ की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म कल्कि और फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके साथ ही बिग बी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वे कभी इंस्टाग्राम पर तो कभी एक्स हैंडल पर ब्लॉग पोस्ट के जरिए अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़े चीजों को शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने माता पिता से जुड़े किस्से भी अपने चाहने वालों को बताते रहते हैं। इस बार बिग बी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में अपनी दिवंगत माँ तेजी बच्चन को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए एक इमोशनल नोट शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर एक नोट लिखा, इसमें उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए लिखा कि कल का दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत और माँ का याद करने का है। उन्होंने लिखा कि 12 अगस्त उनकी ताकत, उनकी गर्मजोशी, उनके शिष्टाचार और सौंदर्य की भावना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी के लिए उज्जवल और सुंदर सभी चीजों के प्रति उनका विश्वास और प्यार। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस बार बेटों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर दहाड़ेंगे शाहरुख खान। जी हाँ, मुफासा में अब्राहम खान की जल्द ही एंट्री देखने को मिलेगी। शाहरुख खान अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। किंग खान सुहाना के साथ बड़े पर्दे पर उनकी पहली मूवी में नजर आएंगे, तो वहीं आर्यन और अब्राहम खान के साथ भी उनका अगला प्रोजेक्ट मुफासा द लायन किंग जल्द ही लोगों के सामने आएगा। इस फिल्म से डेब्यू कर रहे अब्राहम के हिस्से में मुख्य किरदार है। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस सारा अली खान की। 29 साल की हुई सारा अली खान सौतेली बेटी को किया बेबो ने इस तरह बर्थडे विश। सारा अली खान फिल्मों के साथ साथ अपने चुलबुले अंदाज को लेकर भी काफी छाई रहती है। आज यानी कि 12 अगस्त को सारा अली खान 29वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर उनके बॉलीवुड दोस्त और हजारों फैंस विश कर रहे हैं। स्पेशल डे पर सैफ अली खान की दूसरी पत्नी यानी कि करीना कपूर खान ने अपनी सौतेली बेटी सारा को बड़े ही खास अंदाज में विश किया है। वहीं करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर उन्हें विश करते हुए एक फोटो पोस्ट की, जिसमें सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ नजर आ रही है और कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग सारा, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार और कद्दू की सब्जी भेज रही हूँ। आज की इस बॉलीवुड खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।